क्या दोस्तों आप भी अपने एटीएम कार्ड या आधार कार्ड जैसा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं विद प्रूफ विद लाइफ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपको उस वीडियो को पूरा देखना होगा और कैसे आप अपने कोरोना जो वैक्सीन आपने लगवाई है उससे आप एटीएम जैसा सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, बस आपको उस वीडियो को पूरा देखना होगा। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और सीधा आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्रोम ब्राउजर पे आने से पहले मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी, उस पर क्लिक करेंगे और सीधा आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सेकंड नहीं चलेंगे, इससे पहले आपको काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिटीजन यहाँ लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा यूनिवर्सल पास, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो भी नंबर जब आपने वैक्सीन लगवाई थी जो नंबर आपने दिया था फ़ोन नंबर वही आपको यहाँ डालना होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो भी आपके आधार नंबर पे नंबर है वो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जब वैक्सीन लगवाई थी तब आपने जो नंबर दिया था वही नंबर आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। बेसिकली आप अपना आधार कार्ड का भी नंबर डाल सकते हैं आपको पता हो तो। चलिए हम यहाँ डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ओटीपी आएगी, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आपको डाल देनी होगी, तो चलिए यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है, यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट लिखा होगा, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएंगे खुल के, ठीक है। इस तरीके से अब इस नंबर से जितने भी वैक्सीन लगी होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जैसे कि ये देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे है हमारे पिताजी का नाम, दूसरा है हमारे भाई का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जहाँ लिखा है जनरेटेड पास, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से खोल के आ जाएंगी, ठीक है। कौन सी वैक्सीन वगैरह लगी थी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे अपलोड फोटो पे आप क्लिक करेंगे, आप अपनी गैलरी से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले से आप फोटो खींच के रख लीजिए, ठीक है, उसे डन कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से चेकबॉक्स पर, ठीक है। अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सेकेंडों से पहले काम करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर मिनटें चलती हैं उससे पहले। अब यहाँ ओके आप कर देंगे, ये कह रहा है 24 घंटे आपको वेट करना है, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना है, यहां पे इस तरीके से आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, फिर से आपको वहीं जाना है जैसे कि यहां लिखा हुआ है। यहां पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज का आपको वेट करना है, ठीक है। एक मैसेज आएगा तो चलिए यहां पे मैसेज का हम वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से एक मैसेज आ गया है, ठीक है, भाई के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। चलिए हम वेबसाइट पर जाते हैं। वहीं पर वेबसाइट पर आने के बाद सेम वही प्रोसेस है, वहीं पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नंबर डालेंगे, ठीक है। नंबर डाल के ओटीपी डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके फ़ोन में अभी ओटीपी आएगी, वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। ये देखो आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से कट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर आ गया है व्यू पास, तो व्यू पास पे हम क्लिक करेंगे। व्यू पास पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ थोड़ी देर वेट करना है। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये देखो आ चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेवल 3, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दे रहा है वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे इस तरीके से ये देखो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो टिक लग रहे हैं अपने आप, ये देखो यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल आ जाएंगे आपके सामने पब्लिक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लिखा है ये देखो डाउनलोड, तो डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा वेट करना है आपको, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 डॉट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रेड कलर का बटन आएगा, 3 डॉट आएंगे इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये देखो आ जाएगा, इसी पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने कोरोना वैक्सीन जो अपने आपने लगवाई थी उसका सर्टिफिकेट आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जाना है, क्या कहाँ पे जाना है, अब आपको जाना है आपने किसी कैफ़े पे, ठीक है। उनसे कहना है कि इसका आप क्या कीजिए, इसका मुझे एक प्रिंट निकाल के और पासपोर्ट मतलब उस जैसा एटीएम जैसा बना दीजिए, ठीक है। वो वहाँ पे अच्छे से बना देंगे, ठीक है। बस फिलहाल इस वीडियो में बता लेता हूँ, 10 रुपये आपसे लेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए या तो आप एक काम कीजिए, जब भी आपको कोई मांगे, ठीक है, कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं, आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया है आपका, फिलहाल इस वीडियो में बता लेता हूँ। जय हिंद।